hello students let's move on next question as we you know we are doing exercise 6.1 and today we will do question number 6 question is it is given that angle xyz equal to 64 degree and xy is produced to point p draw a figure from the given information if ray yq bisects angle zyp find angle xyq and reflex angle qyp हिंदी में इसको देख लेते हैं यह दिया है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू सिक्सटी फोर डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवेन है उसी के भी यहाँ पे कह रहा है कि एक पिक्चर को ड्रॉ कीजिए यहाँ पे पिक्चर दी नहीं हुई है तो हम एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया है जितना कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग करते चले जाएंगे ठीक है तो चलिए एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल टू सिक्सटी फोर डिग्री एक लाइन इस तरह से खींचा और और दूसरी लाइन इस तरह से खींच देते हैं ये एक एंगल बन गया है ना यहाँ पर एक की एंगल बन गई और इस एंगल को यहाँ पर लिख देते हैं 64 डिग्री जो कि एक्स वाई जेड है तो नाम लिख देते हैं यहाँ पर ये कर देते हैं एक्स और ये वाई और ये जेड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू सिक्सटी फोर डिग्री ठीक है अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड एक्स वाईज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी ये एक्स वाई जो है इसको पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया हुआ प्रोड्यूस मीन्स आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है पी पॉइंट तक ठीक है तो इसको आगे की तरफ हम लोग पी पॉइंट तक एक्सटेंड कर देते हैं बढ़ा देते हैं प्रोड्यूस कर देते हैं ये देखिए मैं आगे बढ़ा दी और ये पॉइंट जो है इसको पी नाम दे देते हैं ठीक है यहाँ पर ये पी पॉइंट हो गया ये वाई हो गया यहाँ पे पॉइंट और ये एक्स हो गया उसके बाद देखिए क्या है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाई एंगल जेड पी जेड वाई पी, पी। देखिए कहां पर जेड वाई पी है जेड वाई और पी ये वाली जो एंगल बन रही है इस वाले एंगल को एक रे वाईक्यू है जो बाइसेक्ट करती है बाइसेक्ट मीन्स समद्विभाजित करती है दो भागों में बांटती है एंगल जेड ये जो बन रहा है इसको एक किरण वाई दो भागों में बांट रही है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर किरण को भी रे को भी हम लोग यहाँ पर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और इस रे को ये जो किरण है इसको नेम दे दे देते हैं क्या है वाई क्यू वाई और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं क्यू ये वाई क्यू एक रे हो गई जो इस एंगल जेडवाई पी को क्या कर रही है बाइसेक कर रही है बाइसेक कर रही है मिंटो से कि जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे समद विभाजित हो रहे हैं बाइसेक्ट हो रहे हैं ठीक है ठीके? किसकी वजह से ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो इस रे की वजह से किरण वाइक्यू की, की वजह से ये दो भागों में बढ़ जा रहे हैं यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतना ही कोण इधर को बनेगा ठीक है अब चलिए और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को कह रहा है एक्स वाई क्यू यहां से लेकर के यहां तक ये वाली एंगल हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी गई एक्स वाई क्यू की उसके बाद देखिए क्या कह रहा है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यूवाई पी क्यू Y एंड P इसका रिफ्लेक्स बताना है इस वाले एंगल का X Y P का रिफ्लेक्स एंगल बताना है प्रतिवर्ती एंगल बतानी है ठीक है तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई क्यू जो है ये YQ रे जो है इसको बाइसेट कर रही है जेड वाई पी एंगल को ये और इस तरह से ये जो ग्रीन लाइन में दिखा रही हूँ ये दो एंगल बन रहे हैं तो बाइसेक्ट हो रही है सम विभाजित हो रही है ये जेड वाई पी इसलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं ये तो क्लियर हो गया तो मान लीजिए कि इसको मैं एंगल जेड वाई क्यू को अगर अल्फा मान लेती हूं तो फिर ये वाला जो एंगल है पी वाई क्यू ये भी आपका अल्फा होगा दोनों की वैल्यू सेम होगी है ना क्योंकि आपस में ये दोनों जो है इस रे की वजह से समद्विभाजित होकर के बने हुए हैं अल्फा अगर ये होगा तो ये भी अल्फा होगा अब देखिए इसको यहां पर लिख दीजिए लेट माना कि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू अल्फा वाई तो ये वाली एंगल क्यू वाई पी भी अल्फा होगी सो एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू अल्फा है ना क्योंकि वाई क्यू रे इस एंगल जेड वाई पी ये जो रेड वाली है इसको समाधिभाजित कर रही है अब देखिए लिख सकते हैं देयर फोर एंगल पी वाई जेड इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू प्लस प्लस एंगल क्यू वाई जेड और एंगल पी वाई क्यू की वैल्यू कितनी है पी वाई हमने माना है इसको अल्फा तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस एंगल क्यू वाई जेड क्यू वाई जेड ये भी हमारा अल्फा है तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा विच इज इक्वल टू टू अल्फा जो तो एंगल एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री है और इधर जो ये एंगल बन रही है अल्फा और फिर इधर को भी एक ये अल्फा बन रही है ये तीनों एंगल मिल करके लीनियर एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं रैखिक कोण बना रहे हैं और रैखिक कोण जो होती है वो 180 डिग्री की होती है क्या करते हैं इस रैखिक कोण का जो लीनियर एंगल है इसकी वैल्यू को यहाँ पे शो करते हैं लिखेंगे ये वाला एंगल प्लस ये वाली एंगल ये दोनों मिलकर के वन डिग्री बना रही है लिखेंगे यहां पर एंगल पी वाई ंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 एटी डिग्री एंगल पी वाई जेड पी वाई जेड ये वाली रेड एंगल और फिर एक्स वाई जेड ये वाली रेड एंगल दोनों मिलकर के लिनियर एंगल हो गया वन एट्टी डिग्री अब पी वाई जेड जो है यहां से लेकर के यहां तक यहां से अल्फा और यहां से लेकर के यहां तक अल्फा टू अल्फा जो कि यहां पे गिवेन है दिखा रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू इसको टू अल्फा प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है सिक्सटी फोर डिग्री है पहले से क्वेश्चन में गिवेन है इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री और इस तरह से इसको यहाँ पर लिख देंगे टू अल्फाइक् टू वन एट्टी डिग्री माइनस क्योंकि ये सिक्सटी फोर डिग्री जो है प्लस है इसको इक्वल साइन के इधर को लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी और फिर वन एट्टी डिग्री में से सिक्सटी फोर डिग्री माइनस जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 116 डिग्री तो यहां से फिर अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे 116 डिग्री और इधर मल्टीप्लीकेशन है इधर आकर के डिवीजन हो जाएगा इट डिग्री अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से लेकर के यहाँ तक ये फिफ्टी डिग्री हो गया और ये भी फिफ्टी डिग्री हो गया ठीक है अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है स्टूडेंट्स है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू ये जो ब्लू से हमने इंडिकेट करा हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड और एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है सिक्सटी फोर डिग्री लिख देंगे यहाँ पर सिक्सटी फोर डिग्री प्लस क्यू वाई जेड क्यू वाई जेड इसकी वैल्यू यहाँ पे आइए 58 फिफ्टी एट डिग्री जो कि अल्फा था वाना हमने यहां पर 58 डिग्री लिख देंगे तो इस तरह से इस एंगल वाई की वैल्यू निकल गई कितना आ गया, गया हो जाएगा और टू डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई जो कि हमें फाइंड करना था ठीक है अब चलिए दूसरा देखते हैं रिफ्लेक्स पूछ रहा है एंगल क्यूवाई पी एकुवाई पी का प्रतिवर्ती एंगल तो प्रतिवर्ती एंगल QYP पी क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती एंगल कितना होगा तो रिफ्लेक्स एंगल किसे वैसा कौन जो? 360 डिग्री से कम को है ना और 180 डिग्री से ज्यादा हो तो तो इस एंगल QYP पी का रिफ्लेक्स पता करना है तो इसमें से ये वाला जो है पोर्शन माइनस हो जाएगा थ्रू आउट थ्री सिक्सटी डिग्री में से यहां से लेकर के यहां तक ये यह टोटल जो है थ्री सिक्सटी डिग्री बनेगा तो उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे ये वाला पोर्शन हमारा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकल जाएगा लिखेंगे यहां पर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू तो थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस फिफ्टी एट डिग्री क्योंकि ये QYP पी जो है अल्फा यहां पर हमने माना था क्योंकि ये दोनों सम होने से इस समाजित होने से एंगल बन रही थी ये ग्रीन वाली जो दिखा रहे हैं और अल्फा ये भी थी अल्फा ये भी थी और अल्फा की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट कर तो करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई टू जीरो थ्री थ्री हंड्रेड टू डिग्री और यही हमें फाइंड करना था एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को एंगल एक्स वाई जेड की है 64 डिग्री और एक्स वाई को आगे की तरफ पी पॉइंट तक बढ़ाया और उसके बाद हमारी यह स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई अब कह रहा है कि वाई क्यू एक रे है जो इस एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है बाइसेक्ट करती है तो बाइसेक्ट करने से जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर ग्रीन वाला जो सेडेड करा हुआ है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे है ना तो एक वाले एंगल को हमने इधर अल्फा मान लिया तो दूसरे वाले को भी अल्फा मान लिया चूकी इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन में जो ये ब्लू से दिखाया जा रहा है और ये जो है 64 डिग्री प्लस अल्फा मिलकर के बन रही है तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वाली वैल्यू जो ब्लू से सेट किया हुआ है इसको हमें बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्फा तो हमें पता नहीं है इस अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे आ, यहां पर ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि ये तीनों एंगल्स मिल करके एक लीनियर एंगल बना रही है रेखिय कोण बना रही है तो रेखिय कोण की वैल्यू एक सौ अस्सी डिग्री होती है पी वाई जेड और एक्स वाई जेड ये यहां से लेकर के यहाँ तक और पी वाई जेड जो है इसकी वैल्यू इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा टू अल्फा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू अल्फा प्लस सिक्सटी फोर डिग्री इक्वल टू वन एटी डिग्री और यहाँ प्लस है तो इधर को ले जाएंगे माइनस हो गया एक वैल्यू इसकी आ गई एक सौ सोलह डिग्री इस तरह से अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे फिफ्टी एट डिग्री फाइंड कर लिया और फिफ्टी एट डिग्री ये भी होगी फिफ्टी एट डिग्री ये भी हो गया उसके बाद अब क्वेश्चन में जो कर रहा है उसको हम देखते हैं एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एक्स वाई क्यू के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स वाई क्यूज़ जो है ये ये डिग्री प्लस ये वाला अल्फा से बन रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल एक्स वाई क्यूक्ल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड क्यू वाई जेड और ये वैल्यू सिक्सटी फोर डिग्री इधर है ही एक्स वाई जेड की और क्यू वाई जेड निकल गया फिफ्टी एट डिग्री एड कर और फिर दूसरा रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है क्यूवाई पी पूछा जा रहा है क्यूवाई पी रिफ्लेक्स एंगल और रिफ्लेक्स हमें पता है कैसा होता है थ्री सिक्सटी डिग्री से कम होता है और वन एटी डिग्री से ज्यादा होता है तो क्यू आई पी का रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है इट मीन की क्यूवाई पी जो कि वैल्यू अल्फा है जो कि यहाँ निकल चुके फिफ्टी एट डिग्री इसको इस थ्री सिक्सटी डिग्री में से माइनस कर देंगे और रिफ्लेक्स ऑफ क्यूवाई पी निकल जाएगा जो की हमारा यहाँ पे थ्री हंड्रेड टू डिग्री आ गया यही हमारा आंसर हो गया पहला आंसर ये हो गया और दूसरा वाला आंसर हमारा आपका ये हो गया वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ठीक है तो स्टूडेंट मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया है सिक्स पॉइंट वन एक्सरसाइज को यहाँ पे कवर कर लिया सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में घर पर रहें सुरक्षित रहें ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें